जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वाले वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कैसे आप अपने आईफोन में कुछ इस टाइप का जो है लॉन्चर यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल ही दोस्तों सिंपल लॉन्चर होता है ये आपको, और ये काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट भी होता है। एक बार से मैं इसे और भी अच्छा करके दिखा देता हूँ, एक बार से रुक जाइए। एंड ठीक है, ये देख सकते हो और भी रिलेवेंट हो गया ये। तो फिर दोस्तों ये देख सकते हो कुछ इस टाइप का लॉन्चर आप कैसे यूज़ कर सकते हो। जब आप यहाँ से जो है मैसेजेस पे टैप करते हो तब आपका मैसेज ओपन होगा, सफारी पे टैप करोगे सफारी ओपन होगा, यूट्यूब पे टैप करोगे यूट्यूब ओपन होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, यूट्यूब भी ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बिल्कुल से मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप ये कर सकते हो, बिल्कुल ही ईजी सा मेथड है। तो फिर दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं अभी अपने नॉर्मल से होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ, देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। तो फिर दोस्तों सबसे पहले क्या करना होता है, आपको अपना इंटरनेट को ऑन करना है। सिंपली आपको अपने ऐप स्टोर पर जाना होता है, ऐप स्टोर पर जाना है आपको। एंड मैं यहाँ पे दोस्तों ऐप स्टोर पे आ चुका हूँ। ऐप स्टोर पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्च करना है मिनिमल लॉन्चर करके। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिनिमल लॉन्चर जब आप सर्च करोगे तो फिर फर्स्ट वाला वेबसाइट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे ऐप जो कि है मिनिमलाइज्ड लॉन्चर फ्लो, ठीक है कुछ इस टाइप का। सिंपली मैं यहाँ पे इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ज़्यादा ढूंढना भी ना पड़े। सिंपली आपको यहाँ पे जो अपने फेस आईडी वगैरह या फिर पासवर्ड देके इंस्टॉल कर लेना है। और ये जो साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम है, इस वाले 17.7 MB का साइज़ है इस वाले ऐप का। एंड यहाँ पे आपको नीचे की तरफ टेक्स्ट भी देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो फिर दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको इसे जो ऑन करना है, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट देखने को नहीं मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसा कुछ करना है मैं आपको दिखाता हूँ। बस विजिट्स का ही प्रोसेस है यहाँ पे। ठीक है, करने के बाद आपको नेक्स्ट पे टैप करना है, नेक्स्ट पे टैप करना है, एंड देन गेट स्टार्टेड पे टैप करना है। ठीक है, सबसे पहले आपके फ़ोन में जो जो ऐप्स हैं और जिन 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 ऐप को आप स्पेशली यूज़ करना चाहते हो उनको आप सिलेक्ट कर लो। सिंपली मैं अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैसेजेस हो गया, व्हाट्सएप हो गया, एंड यहाँ पर मैं यूट्यूब को सिलेक्ट करता हूँ, इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करता हूँ, एप्पल न्यूज़, सफारी, इन सारे ही ऐप्स को मैंने अभी जो है सिलेक्ट कर दिया है। टेलीग्राम हो गया। ठीक है दोस्तों, सारा कुछ यहाँ पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करा हूँ, करने फ़ोन भी हो गया। सॉरी, यहाँ पे आप लिमिटेड ही 6 ऐप्स को यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे मेरा इतना हो गया है, मैं अभी यहाँ पे डन पे टैप करता हूँ। डन पे टैप करने के बाद आपको कुछ इस इतने वॉलपेपर्स भी देखने को मिलते हैं। मेरा यहाँ पे है ऑलरेडी, सो मैं यहाँ पे वॉलपेपर ब्लैक वाला लगाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है अभी। और ये इंस्ट्रक्शन भी आप देख सकते हो कैसा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, अगर कोई दिक्कत आता है तो फिर आप इसे जो है रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हो गया। सिंपली आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करने है अपने होम स्क्रीन पे। अभी लॉन्ग प्रेस करने के बाद स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकॉन को टैप करना है। करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, एंड आपको यहाँ पे जो मिनिमल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा सबसे फर्स्ट वाला विजिट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद एक बार फिर से जाना है, एंड देन आपको यहाँ पे जो है कस्टमाइज टॉप विजिट पे यहाँ पे टैप करना है। देन आपको जो है यहाँ से जो है क्लॉक वाले नोटिफिकेशन वगैरह को यहाँ से आप जो है मिनिमाइज़ कर सकते हो, यहाँ पर एडिट कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पर इसे जो है यहाँ इसको सिलेक्ट करता हूँ, या फिर थर्सडे लास्ट वाले को सिलेक्ट करता हूँ वीकेंड का। सो मेरा यहाँ पे देन अकेन उसे टैप करके यहाँ पे जाना होगा। जाने के बाद मुझे यहाँ पे मिल गया, देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा आपका ये। एंड देन यहाँ पे ये देख सकते हो सेटअप हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली लॉन्ग प्रेस करना है, प्लस वाला आइकॉन पर जाना है, कलर वाले ऑप्शन पर जाना है, ब्लैक को सिलेक्ट करके यहाँ पर, या फिर डार्क वाटर पर भी रख सकते हो, मैंने सॉलिड चूज़ कर दिया। ठीक है,
यहाँ पे आप कुछ इस टाइप से सिलेक्ट भी कर सकते हो डार्क वाले वॉलपेपर को, एंड देन आपका यहाँ पे लॉन्चर जो है कम्प्लीटली अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे मैं अभी सपोज़ व्हाट्सएप निकाल के देखता हूँ एक बार, जो या एक बार के लिए आपको यहाँ पे परमिशन मांगेगा। देन यूट्यूब पे जब मैं जाता हूँ तो फिर देख सकते हो सारा कुछ यहाँ से जो है मेरा यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है अभी। ठीक है दोस्तों, तो फिर कुछ इस टाइप का था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए आप जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी टाइप के वीडियोस मिलते रहें। आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। बाय बाय।